हाँ जी, की हाल चाल। माई नेम इज हार्दिक राजपूत एंड माई चैनल नेम इज हार्दिक राजपूत स्टूडियो। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि स्टाइलिश फॉन्ट में नाम लिखने से क्या क्या एंड बेनिफिट हैं। सब बंदे आपको सिखा देंगे कि स्टाइलिश फॉन्ट में नाम कैसे लिखना है, लेकिन कोई ऐसा नहीं बताएगा कि स्टाइलिश फॉन्ट में नाम लिखने से क्या क्या एंड बेनिफिट होते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और कोई कहीं पर भी स्किप ना करें। मैं इसका 3 मेन एंड बेनिफिट बताऊँगा। चलो तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई लोगों, सब आपको बता देंगे कि स्टाइलिश फॉन्ट में नाम कैसे लिखना है, मैं भी बता दूंगा, लेकिन आपको कोई ऐसा नहीं बताएगा कि इसके क्या क्या नुकसान है। चाहे कितना भी सर्च कर लो, कहीं भी आपको कोई नहीं बताएगा कि इसके क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या क्या बेनिफिट है। आज मैं आपको 3 ऐसे एंड बेनिफिट बताऊँगा जिनको सुनकर आप कभी स्टाइलिश फॉन्ट में नाम नहीं लिखोगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। जैसे एक बंदे ने नाम लिखा अपना स्टाइलिश फॉन्ट में, मैं आपको बताता हूँ, ये राहुल रावत है। जैसे भाई लोग आप देख सकते हो, तो इस बंदे ने स्टाइलिश फॉन्ट में नाम लिखा, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब भाई लोग, अब इसका मैं बताता हूँ इससे क्या होता है। सबसे पहली चीज़, अगर मैं इसको टैग करना चाहूँ तो ये टैग नहीं होगा। सबसे पहला एंड बेनिफिट इसमें ये है भाई लोग, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको अभी करके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसको एक पोस्ट में टैग करने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ भाई लोग, चाहे फेसबुक हो इंस्टाग्राम कहीं पे भी अगर कोई टैग करने की कोशिश करेगा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ भाई लोग, देखो ये गया, ये किया मैंने, और फिर मैं उसका नाम लिखने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसका नाम छो नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये दे सकते हो आप, ये देखो भाई लोग, उसका नाम कहीं शो नहीं हुआ, आप देख सकते हो। इसीलिए स्टाइलिश फॉन्ट में कभी भी नाम नहीं लिखे, कोई बंदा आपको टैग नहीं कर पाएगा, तो भाई लोग क्या फ़ायदा आपका स्टाइलिश फॉन्ट में नाम लिखने का, आप देख सकते हो। चलो अगर एट दी रेट लगा के हो जाए तो चलो माने हम, ये देख सकते हो भाई लोग, मैं इसे टैग नहीं कर सकता, इसने अपनी गलती से स्टाइलिश फॉन्ट में अपना नाम लिखा, तो मैं इसको टैग भी नहीं कर सकता। इसीलिए भाई लोग, सबसे पहले है कि आप कभी भी स्टाइलिश फॉन्ट में नाम नहीं लिख दे सकते हो। अब जब आपको कोई बंदा टैग नहीं कर पाएगा तो आप किंग कैसे बन सकते हो यार, आप भी सोचो, आप रियलिटी सोचो यार, कोई आपको टैग नहीं कर पाएगा तो आपका स्टाइल रहने क्या फ़ायदा है यार। पहला तो हो गया, आप देख लिया आपने, अब दूसरा है स्टाइल फोन में नाम लिखना। अगर आपकी आईडी डिसेबल हुई तो आईडी ओपन करना कभी भूल जाना, ओनली भूल जाना, कभी ओपन नहीं होगा। 100% मैंने वर्किंग की है, कभी आईडी ओपन नहीं हो सकती, ये मेरी रियलिटी। और मैंने ये 2 साल एक्सपीरियंस है मेरा, मेरी एक आईडी डिसेबल हुई थी, उसका नाम था रावत हार्दिक पांड्या, आपको अगर याद होगा तो, वो आईडी स्टाइलिश फॉन्ट में थी। उस समय मुझे भी पता नहीं था कुछ इसके बारे में, और मेरी आईडी डिसेबल खुली नहीं, जबकि ये आईडी डिसेबल हुई और मैंने ये खोल के रख दी भाई लोग, मजाक नहीं कर रहा, मैंने खोल के रख दी। इसीलिए कभी भी स्टाइलिश फॉन्ट में नाम नहीं लिखना चाहिए। सेकेंड तो आपको मैंने ये बता दिया कि आईडी नहीं खुलेगी, 100% लिख के ले लो, लिख के अगर आपका वो जो आईडी कार्ड है वो भी स्टाइलिश फॉन्ट में नहीं होगा तो आपकी आईडी कभी नहीं खुल सकती। और फेक आईडी कार्ड से आजकल आईडी नहीं खुलती, चाहे किसी भी चीज़ की हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, नहीं खुलती। और थर्ड और मेन बताऊंगा आपको मैं कि स्टाइलिश फॉन्ट में नाम लिखोगे ना, कोई आपको सर्च नहीं कर सकता, चाहे वो आपकी GF हो, BF हो, या कोई भी हो, आपको कभी सर्च नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने सर्च किया अभी राहुल रावत, मैंने सर्च किया, आप देख सकते हो, लेकिन वो शो नहीं होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सब स्टाइलिश फॉन्ट की वजह से है, आप देख सकते हो आप भाई लोग। सो फायदा क्या है यार भाई लोग, आप बोलो, अगर स्टाइलिश फॉन्ट में नाम लिखोगे तो फायदा क्या है, आप भी सोचो, आप खुद सोचो। अगर जब आपको कोई सर्च नहीं कर सकता, टैग नहीं कर सकता, आपकी आईडी नहीं खुलता, तो फायदा क्या है। ये मैंने रियलिटी से भरा भाई लोग, आपको फायदा कुछ नहीं होगा अगर आप स्टाइलिश फॉन्ट में नाम लिखोगे। लेकिन अगर आपको स्टाइलिश फॉन्ट फिर भी नाम लिखना है तो आप मुझे SMS कर सकते हो, मैं जरूर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। आप देख सकते हो भाई लोग, नहीं होगा सर्च, ये सबसे मेन कारण है इसका, ये सबसे बेकार है इसका स्टाइलिश फॉन्ट का नाम लिखने से। ये मैंने पहले से ही सर्च करके रखा, बहुत मुश्किल से मिला, तब जाके मिला मुझे ये नेम, नहीं तो मुझे नहीं मिल रहा था। चलो तो फिर, अगर वीडियो अच्छा लगे हो
तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना जरूर जरूर करें भाई लोग जरूर। और थैंक्स टू वॉच एंड लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।